नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 18 जुलाई 2022, समय 12:18:54 हो रहा है। लेट से आया हूं एक्चुअली, मैं आज सिस्टम पे बैठा नहीं, मैंने आज आप लोगों को कॉल भी नहीं दिया, इसलिए माफी चाहूंगा। अगर अभी इस वक्त कोई कॉल मिला तो मैं जरूर आपको दूंगा, कुछ कॉल ढूंढता हूं फिर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। कारण क्या था कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग करवा रहा था, वायरिंग नहीं सॉरी इन्वर्टर का कनेक्शन चल रहा था, इस वजह से सुबह से इन्वर्टर का, अभी इलेक्ट्रिशियन गया है वापस, तब मैं जाके फ्री हुआ हूँ और अब मैंने सिस्टम ऑन किया है, तो वायरिंग ये इन्वर्टर कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब देखिए मैं आपको अपना पोजीशन दिखा दूँ, एक्चुअली मैंने मोबाइल से ही ट्रेड लिए थे, करेंसी का पुट लिया था जिसको 364 मैंने काट दिया, बैंक निफ्टी का 35300 का कॉल लिया था 1702 रुपये, जो कि अभी करंट आपके पास चल रहा है 1646 का, और बैंक निफ्टी का 35400 का कॉल लिया था, इसको मैंने 632 रुपये पे काट दिया प्रॉफिट में, तो टोटल पोजिशन 1880 रुपये का है यही, ठीक है। तो ये आपके सामने ट्रेड है मेरा आज का, ये इसलिए नहीं कि मैं प्रॉफिट में इसलिए दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं माफी मांगने आया आपसे, इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि आज मैं कोई कॉल आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया अपने निजी कारणों से, पर्सनल रीजन से, इसलिए बहुत बहुत मैं दिल से माफी मांगता हूँ। अगर इस वक्त कोई कॉल बनता हुआ दिखेगा मुझे तो मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको मैं कुछ कॉल देने की। फिलहाल निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी 16226 कल का जो मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया था कि ये लेवल आ सकता है, आपको बिल्कुल आएगा, 250 के ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, 250 से गिरावट आ सकता है अभी का जो रिसेंटली टाइम है 12:20 का। और इसी तरह बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन जहां तक चांस बन रहा है कि 35,150 से 200 जाते जाते ये थक जाएगा, अभी भी इसके पास जो है 100-150 पॉइंट का कुशन है, जा सकता है ऊपर 35,150 तक जा सकता है, चांसेस बनेंगे, फिर वहां से गिरावट बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो ये है हमारा ट्रेड आज का, ओवरऑल पोजीशन हमारा 1870 रुपये के आसपास का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब मैं कुछ कॉल प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग अब बंद करता हूँ।